प्राइवेट मीडिया है। अक्सर सोशल मीडिया पे हम सक्रिय रहते हैं, और भी बहुत लोग रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, आदत बन चुकी है, और अगर सोशल मीडिया ना मिले तो ऐसा लगता है कि आज कुछ कमी रह गई। रोज दो चार पोस्टें आती हैं जिसमें भारत के प्राइवेट मीडिया के, चाहे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके दो चार पांच चेहरों की फोटो आती है, लोग उनको गरियाते हैं, उन पर अपना आक्रोश निकालते हैं, क्रोधित होते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कभी उनको देशद्रोही बोलेंगे, कभी उनको चोर बोलेंगे, कभी उनको बिका हुआ बोलेंगे, कभी उनको खरीदा हुआ बोलेंगे, कभी उनकी कमियां निकालेंगे, कभी उनकी पोस्ट डालेंगे। 24 घंटे वो उसमें उलझे रहते हैं, प्राइवेट मीडिया के एंकरों में या प्राइवेट मीडिया के लोगों में या प्राइवेट मीडिया की बातों में, और हमारा भी समय खराब करते हैं ऐसी ऐसी पोस्ट डाल के, क्योंकि सामने से आती है, कई बार रुक जाती है, कई बार नहीं रुकती है, हालांकि हम उसको निकाल देते हैं। भाई आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि वो प्राइवेट मीडिया है, और वो लोग कहते हैं कि हम प्राइवेट मीडिया हैं, वो सरकारी मीडिया नहीं है, और वो आपका पर्सनल मीडिया भी नहीं है। प्राइवेट मीडिया मीन्स प्राइवेट बिजनेस, जैसे प्राइवेट अस्पताल होते हैं और सरकारी अस्पताल होते हैं। सरकारी अस्पताल आपको COVID-19 से यानी कोरोना से बचाने के लिए तत्पर हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, उनको सेवा में आना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, प्राइवेट वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी जो डॉक्टर हैं वो फ्री में आपका इलाज कर रहे हैं, आपका टेस्ट फ्री में कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं सरकारी, और जो प्राइवेट वाला है वो आपका इलाज पैसे लेके करेगा, कैसा इलाज करेगा वो जाने, मगर वो आपका टेस्ट का पैसा भी लेगा, आपके आपके पास पैसा है तो कराइए, नहीं कराइए तो घर जाइए। तो आप इसको समझिए कि प्राइवेट मीडिया का मतलब क्या है। प्राइवेट मीडिया एक तो आपका नौकर नहीं है, उनका बिजनेस होता है, उसका एक मालिक होता है जिसको पैसा कमाना होता है, वो पैसा लगाता ही इसलिए है कि पैसा कमाना है, खबर देना या लेना उसका काम नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेसमैन का खबर से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं जानता कि खबर क्या होती है क्या नहीं होती है, वो तो ये जानता है कि इस खबर से पैसा मुझे आना है या जा रहा है। अगर खबर से पैसा आ रहा है तो उसके लिए खबर बढ़िया है, और खबर से पैसा नहीं आ रहा है तो खबर उसके लिए बेकार है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि इस खबर का आगे क्या असर है क्या नहीं है, उसे अपने बिजनेस से मतलब है, और यही एक व्यापारी का, एक वाणिज्यिकों का, एक बिजनेसमैन का धर्म है, धम्म है, यही नेचर है। इसको मान लीजिए, समझ लीजिए, वो घाटे का काम क्यों करेगा, आपसे क्या ले लेना देना, उसे क्या मतलब पड़ी है कि आपको जो खबर दे वो सच्ची है या झूठी है या क्या है क्या नहीं है, उसकी खबर सेल हो रही है, वो सेल करता है। यानी प्राइवेट सेक्टर के जो मीडिया हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं हम प्राइवेट हैं, हमारी खबर सेल होती है, ये सामने खबर चल रही है, नीचे इसके जो परचेजर हैं उनके नाम चल रहे हैं, यानी कि जो उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो लोग उनके परचेजर हैं, वो आपके लिए तो है ही नहीं खबर, आप क्यों देखते हैं, आपको क्या दिक्कत पड़ी है, आप अपना टीवी बंद कर दीजिए, आप अखबार लेना बंद कर दीजिए, आप जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की खबर आती है उसको मत देखिए, आप प्रिंट मीडिया की कोई किताब आती है, पत्रिका आती है, उसको बंद कर दीजिए। कोई आपके हाथ जोड़ने नहीं आया कि आप उनको देखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो एक बार भी नहीं कहते कि ये सबको देखनी ही पड़ेगी, वो एक बार भी नहीं कहते कि अखबार सबको, वो बड़े ईमानदार हैं, बड़े लॉयल हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, जो उनका धर्म है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, सरकारी मीडिया अगर आपको जरूर बात कहती है तो आपका राइट बनता है, क्योंकि सरकार में तो आपका हिस्सा भी है, सरकार तो आप भी हैं, देश तो आपका भी है, मगर प्राइवेट व सरकारी में तो अंतर है। प्राइवेट वाले अपने आप को देश का हिस्सा नहीं मानते, इस बात को आप बिल्कुल अपने समझ में रखिए और समझिए, और अपनी चिंताएं अपने तक रखिए और ज़्यादा मत फैलाइए इस बात को। और बहुत ज़्यादा अगर आपके पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें हमारी खबरें क्यों नहीं आती, पूरे देश की खबरें क्यों नहीं आती, या डेवलपमेंट की खबरें क्यों नहीं आती, या ये एक तरफा ही खबरें क्यों दे देते हैं, या ये खबरें आपको पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, या इन खबरों में कोई सच्चाई है या नहीं है, तो भाई आप अपने नेता को बोलिए कि उनका टीवी चैनल कहाँ है, उनका मीडिया कहाँ है, आप अपने लोगों को बोलिए कि उनका खबर कहाँ है, उनकी मीडिया कहाँ है। आप प्राइवेट वालों को गाली नहीं दे सकते, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, आपका कोई राइट नहीं बनता, इसलिए बजाय मेहरबानी के आप उनको कुछ कहना बंद कर दें। आपकी खुशामद नहीं कर रहा है कोई, पसंद आए तो देखिए और नहीं पसंद आए तो बंद कर दीजिए, दो ऑप्शन आपके पास हैं, वो कभी आपके पास ये कहने नहीं आएंगे कि आप हमें देखिए। धन्यवाद। Sure.